एक बुरे इंसान की संगत एक अच्छे इंसान का नाश कर देती है। इसमें अच्छे इंसान की कोई गलती नहीं होती, केवल वो उस बुरे इंसान से दूर नहीं हो पाता। इसीलिए इस कहानी को सुनिए जो आपको एक ऐसा तरीका सिखा देगी जिससे बुरे लोग खुद आपसे दूर भागेंगे। दो ऋषि थे जिनमें से एक काफी बुद्धिमान था। दोनों यमुना नदी के अलग अलग किनारों पर रहते थे। एक बार यमुना नदी में से नीलकंठ नाम का एक नाग निकला और उसने नदी से बाहर आते ही साधु का रूप ले लिया। वह नाग साधु का रूप रखकर पहले ऋषि की कुटिया पर गया। पहले ऋषि ने साधु समझकर उसका अच्छी तरह से आदर सत्कार किया। दोनों ऋषि और साधुओं को आपस में बात करके काफी अच्छा लगा, इसीलिए वह नाग रोज साधु का रूप रखकर उस ऋषि से मिलने आता और उनमें एक अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उस नाग ने उस ऋषि को अपना असली रूप दिखा दिया। वह नाग जब भी उस ऋषि के कुटिया से लौटता तो उसे अपना असली रूप दिखा के उसके शरीर से लिपट जाता। इस वजह से उस ऋषि की चिंताएं बढ़ने लगी। उसका तेजस्वी चेहरा कुरूप हो गया, वह दिन पे दिन कमजोर होने लगा और उसमें अब ऋषियों जैसे गुण भी दिखाई देने बंद हो गए। वह ऋषि किसी भी तरह उस नाग से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन वह अपनी दोस्ती और उसके नाग होने के डर से मजबूर था। एक दिन वह दूसरे ऋषि के पास जाकर रोने लगा और कहता है, आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं उस बुरे नाग की संगति से बच सकूं और मेरी दोस्ती भी बुरी ना कहलाए। दूसरे ऋषि ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम मुझे केवल इतना बताओ कि उस नाग की सबसे प्रिय चीज कौन सी है। ऋषि ने कहा, नाग को सबसे ज्यादा उसकी कंठमणि से प्यार है। दूसरे ऋषि ने कहा, जब नाग तुम्हारे घर में आकर बैठे उसी समय उससे उसकी मणि मांगना। ऋषि ने ऐसा ही किया। जब नाग ने ये बात सुनी तो वह बिना कुछ कहे घर से चुपचाप लौट गया। ऋषि ने कहा, दूसरे दिन वह नाग जब तुम्हारे घर में आने वाला हो उसी समय उससे मणि मांगना। ऋषि ने ऐसा ही किया। जब नाग ने ये बात दोबारा सुनी तो वह उसके घर के बाहर से ही लौट गया। ऋषि ने कहा, जब तीसरे दिन वह नाग नदी से निकलने वाला हो तो उसके निकलते ही उससे मणि मांगना। ऋषि ने ऐसा ही किया। जब नाग ने ये बात तीसरी बार सुनी तो वह गुस्सा में कहता है, हे ऋषि, तू मुझसे मेरी प्रिय चीज क्यों मांग रहा है, इसे मैं नहीं दे सकता, जा, मैं तुझसे कभी दोबारा नहीं मिलूंगा। और इस तरह ऋषि नाग से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमें किसी बुरे इंसान से छुटकारा पाना है तो उनसे उनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मांगना शुरू कर दो, वह खुद ही तुमसे दूर हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।